हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। देखिए, बहुत लोगों को इस बात से दिक्कत होती है कि विंटर में उनके घरों में ज़्यादा धूप नहीं आती है, कम धूप आती है। और विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फूलों वाले रंग बिरंगे प्लांट्स हैं, सबको बहुत धूप की ज़रूरत होती है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो आज का वीडियो उनके लिए ही है। वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि कहीं से भी उनके गार्डन में फूलों की कमी हो सकती है। बहुत ही कम देखभाल, बहुत ही कम धूप, बहुत ही कम स्पेस में वो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग वाले प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत ही इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो। कोई उनको ज़्यादा देख रेख नहीं चाहिए, कोई उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए, और तब भी वो लंबे टाइम तक खिले रहते हैं, जैसे हमारे गुलदाउदी खिले रहते हैं लंबे टाइम तक। पर वो केयर भी बहुत मांगते हैं, इनमें कीड़े और ये सब का मतलब बहुत अटैक होता है, कीड़े मकोड़ों का, और बहुत केयर चाहिए। हमारे गुलदाउदी के प्लांट को मैं गुलदाउदी के पास लेके जाती हूँ आपको। ये खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, पर इनकी देखभाल भी बहुत थोड़ी टफ होती है। इनकी कटिंग तो आसानी से लग जाते हैं, लेकिन कटिंग से लेकर इनको फ्लावरिंग तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इनकी चिंता आप छोड़िए, मैं जो आसानी से कम देखभाल में चल जाए वैसे फ्लावरिंग प्लांट और वो भी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। उनमें से पहला प्लांट तो ये देखिए, कॉस्मोस। इसके और भी कलर आते हैं, ये वाइट, पिंक और ऑरेंज है ना, मेरे पास तो एक ही कलर है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से गुलदाउदी से कम लग रहे हैं इनके फ्लावर। और ये भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ये कुछ टाइम तक बने रहते हैं और कोई केयर नहीं मांगते। रफ टफ मिट्टी में आप लगाइए, बिल्कुल ऐसे एक भाग सेंड, एक भाग मिट्टी, और कोई भी आप उसमें खाद मिला दीजिए, बस इनको पानी देते रहिए। और बहुत तेज़ धूप में भी इनको नहीं रखना है, थोड़े बहुत धूप में भी चल जाते हैं। ये मेरा जिस साइड में रखे हुए हैं उधर बहुत सुबह की एक दो घंटे की मुश्किल से धूप आती है। और फ्लावरिंग देखिए, कहीं फ्लावरिंग में अगर आपको कमी दिख रहा हो तो एक ये हो गया, बहुत इजी टू मेंटेन है। बस इसके डेड फ्लावर आप हटाते रहिए, अगर आपको सीड चाहिए तो आप एक आध रख सकते हो ऐसे। तो आप इसको लगाइए भर भर के फ्लावरिंग, और इसकी हाइट भी बहुत जाती है, बहुत प्यारे लगते हैं आपके गार्डन में लगे हुए। बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी फ्लावर से ये फ्लावर कम नहीं है, ना देखने में और ना अपने गुणों में। तो आप इसको ऐड करिए अपने गार्डन में। और सबसे बड़ी बात, ना इनके मैंने सीड स्प्रिंकल किए हैं और ना ही इनकी कटिंग लगाई है, तब भी मेरे गार्डन में इनके 6-7 प्लांट, और कितने तो मैंने फेंक दिए, जब मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने हटा भी दिए। तो आप समझ जाइए कि कितने प्यारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। उसके बाद ये गलार्डिया का, ये देखिए इसके फ्लावर भी देखिए, ये कितने सुंदर लगते हैं, ये सूरजमुखी के फूल की तरह लगते हैं, और ये भी काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं और बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन। बहुत तेज़ धूप में इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, तो आप सुबह का बस एक दो घंटे का आप धूप दे दीजिए। और जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं, ना मैंने इनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ मैंने इनको ग्रो नहीं किया, ये खुद ही बखुद, ये इनके सीड से जो पिछले साल के सीड गिरे रहे होंगे वहीं से ये सारे प्लांट मेरे निकले हैं। मैंने बस इतना किया है कि इनको अलग अलग पॉट में मैं लगा दी थी, और मैं जितना इस विंटर इन प्लांट्स को एंजॉय कर रही हूँ अपने गार्डन में, या ये जितनी ब्यूटी बिखेर रहे हैं मेरे गार्डन में, उतने तो अब विंटर की तो मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की है, सीधी सी बात है। ये देखिए, बस इनकी डेड हेडिंग करते रहिए। ये देखिए इस तरीके का, ये इसको कट करके हटाइए, इसको कट करके हटाइए, और इसी में शीट बनते हैं। अगर आपको शीट रखना है तो इनको एक आध रहने दीजिए। और बहुत नाजुक इनके स्टेम होते हैं, इनकी नीचे की बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो जाएँ, मिट्टी को टच करने लगे, तो बस इनको हटाते रहिए। देखिए ये जैसे यहाँ पे है, ये थोड़ी सी पीली सी पत्ती लग रही है, देखिए ये इसको हटा देना है, और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। अब मैं सच बताऊं कि मैं एक बार इनको मिट्टी बना के जो लगा दी, उसके बाद मैंने इनको फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है कभी भी, ना मैंने इन पे दिया है ना इन पे दिया है, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये बहुत ईजिली ये फ्लावरिंग करते हैं, मतलब खुशी की बात ये है कि ये प्लांट एक बार आपके गार्डन में लग गए और लग ही जाते हैं, बहुत आसानी से इनके सीड ग्रो हो जाते हैं। इनके सीड ग्रो करने के लिए भी नहीं कि कोकोपीट तो ये तो वो तो ऐसा एटमॉस्फेयर, कुछ भी नहीं।
आप किसी भी पॉट में डाल दीजिए, वो अपने आप निकल जाएंगे। और एक बार निकल गए तो फ्लावरिंग में आने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते ये कि इनको ऐसे खाद दो तो ये करो तो वो करो तब ये फ्लावरिंग पे आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, यकीन मानिए। तो ना इनको ज़्यादा धूप चाहिए, ना इनको कोई फर्टिलाइज़र चाहिए, ना कोई देखभाल चाहिए, और तब भी इनकी ब्यूटी में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उन फ्लावर्स से ये फ्लावर कहीं से कम है क्या, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद है प्यारे से जीनिया, ये देखिए ये दूसरी बार इतने भर के फ्लावरिंग किए हैं मेरे इसमें, तो ये भी बहुत कम केयर में और बहुत सुबह के एक दो घंटे के धूप में ये आराम से चलते हैं। बहुत तेज़ धूप में मत रखिए क्योंकि पत्तियाँ जलने लगती हैं, फिर फूल भी जलने लगते हैं और जल्दी मुरझा जाते हैं। एक बार खिल गए तो इनको ठंडक प्लेस में रखिए। और इनके साथ भी यही है कि इनकी ये जो पत्तियाँ हैं ना ये हटा दीजिए, इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो देखने में प्लांट साफ़ सुथरा खूबसूरत लगने लगता है और बहुत अच्छे से फिर ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। इसकी मिट्टी भी बिल्कुल सिंपल बनानी है, जैसे हर पॉट में हम बनाते हैं, कोई खास मिट्टी नहीं चाहिए इसको। नीचे किचन वेस्ट डाल के आप इसको लगा सकते हैं, कोई फंगस का खतरा नहीं रहता है। और बस कम धूप में आराम से अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। एक बार फ्लावरिंग कर दिए तो लंबे टाइम तक ये भी टिके रहते हैं। इधर है ये लेंटाना, ये भी बहुत रफ टफ प्लांट है और इसके फ्लावर भी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और बहुत तेज़ धूप में इनकी भी पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो आप इसको भी ऐड करें। ये देखिए मेरे देसी वाले ये हैं जीनिया, देखिए कितने बड़े बड़े बर्ड्स बन रहे हैं और कितने सुंदर इसके और ब्रांच निकल रहे हैं। ये भी एक बार खिलेंगे लंबे टाइम तक रहते हैं। लंबे टाइम तक टिकने वाले हमारे अडेनियम भी हैं और ये भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते। एक बार इनको अच्छे से मिट्टी बना के आप लगा दीजिए, बस ओवरवाटरिंग से बचें, फिर ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनके फ्लावर बहुत टाइम तक टिके रहते हैं। ये हमारे मैरीगोल्ड देखिए, ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कोई ज़्यादा देखरेख नहीं और लंबे टाइम तक इनके फ्लावर टिके रहते हैं। और इनको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं रहती, एक बार खिल गए तो थोड़े से ठंडक में भी आप इसको रख सकते हो। उसके बाद ये हमारे सदाबहार, ये भी सुबह के एक दो घंटे की धूप में मस्त खिल जाते हैं और देखिए कितनी सुंदर सी रंगत बिखेरते हैं हमारे गार्डन में, कितने प्यारे लगते हैं। देखिए छोटे छोटे प्लांटर में भी चलते रहते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर सा ये थनबर्जे का प्लांट है जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है फ्रेंड, सुबह की एक दो घंटे की धूप आती है, बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं। ये कॉक्सकॉम है और ये भी सुबह के एक दो घंटे की धूप में बहुत अच्छे से खिलते हैं और ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। लंबे टाइम तक बने रहने वाले फ्लावरिंग प्लांट की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम यूफोरबिया मिली को कैसे भूल सकते हैं। ये तो सभी को पीछे छोड़ देता है, महीनों महीनों इसके फूल एज इट इज़ बने रहते हैं। और केयर या मिट्टी या फर्टिलाइज़र, मैं बताती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस है, 6-7 साल से ये प्लांट मेरे गार्डन में है और साल दर साल कटिंग से फैलते जा रहे हैं। कोई खास मिट्टी नहीं, कोई बस इनको धूप चाहिए, धूप में रखिए और ओवर वाटरिंग बस मत करिए, कभी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, एक एक महीने इनके फ्लावर बने रहते हैं। आप इनको लगाइए, क्यों परेशान होना है जब ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास हैं। ये देखिए ये है प्यारा सा प्लांट बडालिया का, बहुत प्यारा सा प्लांट है, अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, इसके फ्लावर भी लंबे टाइम तक बने रहते हैं और ये भी थोड़ा सा ठंडक प्लेस में भी चल जाता है, जैसे एक दो घंटे की धूप मिल जाए तो पीले कलर के बहुत प्यारे से छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें, तो ये भी बहुत सुंदर है और बहुत आसानी से, मतलब कम देखरेख में, मैं बता रही हूँ कि कोई रिच सॉयल नहीं, कोई अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं, तब भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे आपके गार्डन में। उसके बाद तो ये देखिए हमारे ये बोगनविला है, ये तो महीनों महीनों बने रहते हैं इनके फ्लावर। इधर है पीकॉक का और इधर देखिए कनेर का, और ये देखिए अब ये खिलने वाले हैं, तो ये तो सारे हमारे रंगत बिखेरते ही हैं। ये देखिए ये कनेर के फ्लावर हैं, आपके गार्डन में कहाँ से कलर की कमी आने देंगे बताइए, लंबे टाइम तक टिके रहते हैं देखिए, और बहुत रफ टफ प्लांट है ये।
देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये देखिए ये चाइनीज हिबिस्कस है, ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है, कम ज़्यादा। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये परमानेंट प्लांट है। इसकी कटिंग बस आप कोलियस की तरह नई कटिंग आप लगाते रहिए। इसके बड्स देखिए, ये देखिए, और ये देखिए हिबिस्कस तो हमारे हैं ही। अभी देसी वाले थोड़े विंटर में भले कम हो जाएंगे लेकिन बंद नहीं होते, खिलना बंद नहीं होते, ये खिलते ही रहेंगे। उसके बाद ये हमारे गौरी चौरी, ये देखिए इनके फ्लावर भी बने रहते हैं गुच्छों में, बंचेस में, बड़े प्यारे लगते हैं। उसके बाद ये मिर्च हिबिस्कस, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर से खिले रहते हैं। उसके बाद ये देखिए चंपा, ये भी साल भर फ्लावरिंग करते हैं, ये देखिए, और आपके गार्डन में बने रहते हैं, बिल्कुल बंचेस में खिलते रहते हैं। ये जट्रोफा देखिए, ये भी रफ्ट प्लांट हैं, कोई केयर नहीं मांगते, कोई खाद फर्टिलाइज़र इनको ज़्यादा नहीं चाहिए और ये खिले रहते हैं। एक बार खिल गए तो लंबे टाइम तक बने रहते हैं, इनको धूप मिले या ना मिले। मेरे गार्डन में अभी देखिए टोरिनिया भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, और ये भी सुबह के 1-2 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी है। बहुत तेज़ धूप में ये भी बहुत नाजुक प्लांट है, इनकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। बहुत रफ्ट प्लांट है और इनका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि आपने विंटर शॉपिंग नहीं भी किया है किसी कारणवश या जो भी है, तो भी आप का गार्डन कभी कहीं से भी फीका नहीं लगेगा। मैंने वो प्लांट शेयर किए हैं कि उतनी ही रंगत आपको मिलेगी और बहुत कम देखभाल में मिलेगी, और क्योंकि जो जितने सेंसिटिव प्लांट होते हैं उतना ही उनमें बहुत ज़्यादा केयर लगता है, और उनके फ्लावर्स में कीड़े मकोड़ों फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वो रफ टफ नहीं चल पाते तो खूबसूरत ही कहाँ लगेंगे। जिनको बचा बचा के चलना पड़ता है तो बहुत कम टाइम के लिए ही आपके गार्डन में बने रह सकते हैं, उसके बाद आपके गार्डन को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं तो भाई ऐसे प्लांट को पसंद करती हूँ, और मेरे को जो पसंद है मैं वही आपसे शेयर करती हूँ, और मेरे लिए जो मेरे को आसान लगता है मैं वही वैसी ही गार्डनिंग करती हूँ। गार्डनिंग का पूरा शौक है, और चाहिए कलर से भरपूर अपना गार्डन, कभी भी खाली मैं नहीं देखना चाहती किसी भी हालत में। तो वो मेरे को मिलता है जैसे प्लांट मैं सिलेक्ट करती हूँ, आप भी अगर वैसा करें तो बड़े मज़े से आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर पाएंगे, बहुत कम देखभाल में, बहुत कम खर्च में, बहुत कम मेहनत में। तो ओके फ्रेंड, जो भी पहली बार है मेरे चैनल पे और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें। तो ओके फ्रेंड, बाय।